नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने में भारतीय परंपराओं को भूमिका को चिकित्सा पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिक विज्ञान संस्थान से इस संबंध में गहरा अध्ययन करने का आग्रह किया है, जिससे सरकार फैसला लेने और नीति बनाने में सक्षम हो। पंचायत चुनाव का असर सृजन घोटाला की जांच पर भी दिखने लगा है। अफसर और कर्मियों को चुनाव ड्यूटी लगने के चलते सीबीआई को कागजात उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कल्याण कार्यालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसके चलते जांच का काम प्रभावित हो सकता है। गति शक्ति प्रोजेक्ट के जरिए देश में बड़े स्तर पर बदलाव होने वाला है। 13 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा को सामने रखने वाले हैं। देश की विकास यात्रा को तेज करने को लेकर इस मेगा प्रोजेक्ट में कई सारे प्रावधान रखे गए हैं। इसके तहत प्रमुख इंफ्रा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर एक कॉमन टेंडर लाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या, मथुरा आदि कई जगहों पर गुप्तेश्वर पांडे भागवत कथा और राम कथा करते देखे गए थे। इसके बाद वो प्रकृति की तरफ लौट आए हैं। वो पिछले 5 दिनों से भागलपुर में हैं। प्रकृति संरक्षण और आयुर्वेद की तरफ से उनका झुकाव हो गया है। उन्होंने कहा है कि उनका भागलपुर आगमन प्रकृति चिकित्सा के तौर तरीकों को आत्मसात करने के लिए है। छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के तनाव से अब मुक्ति मिलेगी, इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब छात्रों का आकलन किसी एक परीक्षा से नहीं होगा, बल्कि उनका रिजल्ट उनकी साल भर की पढ़ाई के आधार पर तैयार होगा। इसमें जो अहम बदलाव प्रस्तावित है उनमें परीक्षा का एक ऐसा मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। संपूर्ण क्रांति की जनक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जहां नई दिल्ली में जेपी को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जेपी के लिए राष्ट्रीय हित और लोगों के कल्याण से ऊपर कुछ नहीं था कहा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह सहित तमाम नेताओं ने भी उन्हें याद किया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड होल्डर से कहा है कि वो अपना मोबाइल नंबर आधार में हमेशा अपडेट रखे। UIDAI ने फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए ये नसीहत दी है। अगर मोबाइल नंबर अपडेट ना हो तो आधार से होने वाले फ्रॉड की जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसकी शिकायत भी आगे नहीं की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने उन्हें कायर बताया है और कहा है कि वो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से इतने डरे हुए थे कि उन्हें सियासत में रखा और लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया। महाविकास अघाड़ी द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में सोमवार यानी कि 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया था। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र बंद का सोमवार सुबह मुंबई में बंद का हल्का असर देखने को मिला। सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले वाहनों की संख्या कम नजर आई। आज कई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रूटीन के अनुसार मुख्यमंत्री अपने जनता के दरबार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां राज्य के कई जिलों से शिकायत लेकर फरियादी पहले ही मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की शिकायतों को सुना। देश में टीबी की बीमारी के प्रबंधन और नियंत्रण के क्रम में देश में 100 साल बाद नई वैक्सीन पर काम हो रहा है। साल 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने 2 संभावित टीकों के तीसरे फेज की स्टडी के लिए लगभग 12,000 लोगों को शामिल किया है। रविवार को पहला क्वालिफायर मैच दुबई में खेला गया, जिसे सीएसके ने 4 विकेट से अपने नाम किया। इस मैच के बाद कैमरे पर एक बच्ची की तस्वीर कई बार सामने आई, जिसमें ये बच्ची पूरे मैच में दिल से सीएसके का सपोर्ट करती दिखी। जब सीएसके मुश्किल में फंसा था तब ये बच्ची रोने लगी थी, लेकिन धोनी ने जैसे ही चौका मारकर टीम को जीत दिलाई, इस बच्ची की खुशी देखते ही बन रही थी। धोनी ने मैच के बाद मैच वाले बॉल पर अपना सिग्नेचर करके इसको उस फैन को भी भेंट किया। खेला गया जिसे सीएसके ने 4 विकेट से अपने नाम किया। इस मैच के बाद कैमरे पर एक बच्ची की तस्वीर कई बार सामने आई, जिसमें ये बच्ची पूरे मैच में दिल से सीएसके का सपोर्ट करती दिखी। जब सीएसके मुश्किल में फंसा था तब ये बच्ची रोने लगी थी, लेकिन धोनी ने जैसे ही चौका मारकर टीम को जीत दिलाई, इस बच्ची की खुशी देखते ही बन रही थी। धोनी ने मैच के बाद मैच वाले बॉल पर अपना सिग्नेचर करके इसको उस फैन को भी भेंट किया। उत्तर भारत समेत देश के अधिकतम हिस्सों में मॉनसून समापन पर है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूरे मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया था। मौसम विभाग के मुताबिक आज महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश के आसार जताए गए थे।
बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोगों को चाय में कम चीनी डालने और रोटी कम खाने की सलाह दी गई है। इसको लेकर मंत्री ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक सभा को संबोधित करने के दौरान महंगाई पर होने वाली बहस पर टिप्पणी करते हुए कहा, अगर मैं चाय में चीनी के 100 दाने डालता हूँ और 9 दाने कम डाल दूँ तो क्या वो कम मीठी हो जाएगी। घरेलू इक्विटी मार्केट बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को तेजी आई है। निफ्टी 18,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, वहीं बीएसई सेंसेक्स 60,300 के स्तर के आसपास रह गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इनके शेयर में 7% तक की गिरावट देखी गई है। त्योहारी सीजन में कोरोना वायरस का प्रसार ना बढ़े, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि वायरस को अपना प्रसार करने में मदद ना मिले। बावजूद इसके डिजिटल कम्युनिटी आधारित प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि त्योहारी सीजन में कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। भारतीय नौसेना की मेजबानी में होने वाले दूसरे चरण के वार्षिक मालाबार युद्धाभ्यास में इस बार परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत कार्ल विंसन भी भाग लेगा। यह पहली बार होगा जब अमेरिका का विमानवाहक पोत इस नौसेना अभ्यास में आएगा। 12 से 15 अक्टूबर के बीच होने वाले इस 3 दिवसीय अभ्यास में क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि उन्होंने बीएसएनएल के 4G नेटवर्क से पहली फोन कॉल की है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह नेटवर्क भारत में डिजाइन और विकसित किया हुआ है। ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का विजन साकार हो रहा है। सरकार ने भारत में निर्मित सिंगल डोज रूसी कोविड वैक्सीन के निर्यात की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को अभी तक देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि भारतीय दवा कंपनी हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड को स्पुतनिक लाइट की 40,00,000 डोज रूस निर्यात करने की मंजूरी दी गई है। लोकनायक जयप्रकाश की जयंती के मौके पर समस्तीपुर के हसनपुर में राजद के विधायक तेज प्रताप यादव ने आज पटना में जनशक्ति यात्रा निकाली। गांधी मैदान से वाहनों के काफिले के साथ वो जेपी गोलंबर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि उनका इंतजार रहेगा। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। पिछले महीने भी अनिल देशमुख और उनके परिजनों से संबंधित संस्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें आयकर विभाग ने 17 करोड़ रुपए की आय छिपाने का पता लगाया था। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, उनके पुत्र संजीव आर्य समेत कई नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी यशपाल आर्य और संजीव आर्य के अलावा रायपुर विधायक उमेश शर्मा के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। साल 2021 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण जल्द ही लगने वाला है। इस बार चंद्र ग्रहण भारत में उप छाया ग्रहण के रूप में दिखेगा। गणना के मुताबिक 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष के मुताबिक 19 नवंबर को सुबह 11:34 से शुरू होकर शाम 5:33 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं होगी। स्पेशल NDPS कोर्ट में दाखिल आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी बुधवार को सुनी गई। पहले ये खबर आ रही थी कि ये जमानत अर्जी आज ही सुनी जा सकती है। आर्यन के वकीलों की टीम NDPS कोर्ट में मौजूद है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। स्पेशल NDPS कोर्ट में दाखिल आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी बुधवार को अब सुनी जाएगी। पहले यह खबर आ रही थी कि यह जमानत अर्जी आज ही सुनी जा सकती है। आर्यन के वकील की टीम NDPS कोर्ट में काफी देर तक मौजूद रही थी। आज अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन पर पान मसाले से होने वाले नुकसान को देखते हुए कई संगठनों ने अमिताभ बच्चन को इससे संबंधित ब्रांड से नाता तोड़ने की अपील की थी। साथ ही इस बात को लेकर महानायक की कई लोगों ने आलोचनाएं भी की थी। इसको लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने इन विज्ञापनों को छोड़ने का ऐलान किया है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध लगातार बना रह सकता है। अब तक दोनों देश के बीच कई दौरे की चर्चा हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही। कल कोर कमांडर स्तर की 13वीं बैठक हुई, जिसमें चुशुल मोल्दो सीमा पर दोनों देश के सैन्य अधिकारियों ने चर्चा की थी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच चर्चा पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ शेष मुद्दों के समाधान पर केंद्रित थी, लेकिन यह बैठक भी बेनतीजा रही। सुरक्षा में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को कहा कि भारत को अपने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध स्वदेशी उपग्रह संचार समाधान, भौगोलिक क्षेत्र में निगरानी क्षमताओं और अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुरू होने पर आयोजित समारोह को संबोधित किया।
हिंदू जगे तो विश्व जागेगा का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें अपने बच्चों को अपने धर्म और पूजा के प्रति आदर भाव रखना सिखाना चाहिए ताकि वो अन्य मतों की ओर ना जाए। मतांतरण करने वाले गलत हैं, ये बात अलग है, लेकिन हमारे बच्चे हमें ही तैयार नहीं करते हैं, हमको इसका संस्कार अपने घर में देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98% पर पहुंच गई है। बता दें कि सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में केरल में 10,691 मामले, इसके बाद महाराष्ट्र में 2,294 मामले, तमिलनाडु में 1,329 मामले, पश्चिम बंगाल में 760 मामले और ओडिशा में 652 मामले आ रहे हैं। और इसके साथ ही 86.73% नए मामले इन पांच राज्यों से सामने आ रहे हैं। इनमें अकेले केरल 58.96% नए मामलों के लिए जिम्मेदार है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद दिलबर राज, पवन कुमार, अशोक ठाकुर, ऋषभ राज, सत्येंद्र पी सिन्हा, प्रभाकर कुमार यादव, मनोरंजन यादव, सफीक बी खान, नुनू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मंतोष कुमार, अनिसुक हक, कृष्णा दुबे, परवेज सिद्दीकी, राजीव कुमार शाह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार चीन से जारी गतिरोध को सुलझाने में भारत सरकार कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।